hello class 7th welcome to your history class so students as we are discussing about the chapter 4 of your history that is the mughal empire so students in the previous video we have studied about an introduction that what we are going to discuss in this whole chapter okay so students let us discuss about our first topic दैट इज हु द मुगल्स ठीक है तो अभी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मुगल्स कौन थे ठीक है तो लेट्स गेट स्टार्टेड तो मुगल्स जो थे वो डिसेंडेंट्स थे टू ग्रेट लिनेज के ठीक है द मुगल्स व डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनेज ऑफ रूलर्स ठीक है तो मुगल्स क्या थे मुगल्स की दो डाइनेस्टीज थी ठीक है तो इनसे ये क्या करते थे पहचाने जाते थे डिसेंडेंट्स मीन्स जो उनके पूर्वज थे ठीक है तो पूर्वजों से दो जो ग्रेट डायनेस्टीज थी टू ग्रेट लिनेज थी ठीक है वो थी एक तो थी हमारे जैसे चंगेज़ खान ठीक है और दूसरी थी मुगल एम्पायर के दूसरे जो थे वो थे तैमूर ठीक है तो स्टूडेंट्स अब मुगल्स के दो डिसेंडेंट्स थे जैसे कि आपको एक बात बताती हूँ जैसे क्या होता है कि आप के आपको अगर स्कूल में एक काम दिया जाता है कि आप फैमिली ट्री बना के लाओगे ठीक है तो फैमिली ट्री में सबसे पहले किसका लगता है दादा दादी का फोटो लगता है ठीक है आगे जाके फिर आगे उनकी फैमिलीस में आपके पापा मम्मा चाचा चाची ठीक है इस तरह से क्या होता है आगे वंश जो है चलता है ठीक है लेकिन स्टार्टिंग में वो दादा दादी आए ना तो यहाँ पर ही वही बताया गया कि मुगल्स में मुगल्स के जो मदर जो थी उनकी ठीक है मतलब मदर वाली साइड ऐसा नहीं कि चंगेज़ ख़ान उनकी माँ थी ऐसा नहीं है तो अब मदर के साइड के जो थे वो कौन कहलाए जाते थे जो उनकी मदर की साइड के थे मतलब उनकी दादी या परदादी ले लीजिए ठीक है तो वो किस किसकी साइड की थी वो चंगेज़ खान की जो थी उन्हीं की वंशज थी ठीक है मंगोल रूलर था एक ये जो चंगेज़ ख़ान ये आप याद कीजिए आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि चंगेज़ ख़ान कौन था ये एक मंगोल रूलर था ठीक है तो इसने जो है चाइना और सेंट्रल एशिया में कब्जा किया ठीक है और फ्रॉम देयर देअर फादर साइड दे वर सक्सेसर ऑफ टीम ठीक है तैमूर जिसको बोलते हैं ठीक है तो स्टूडेंट्स तैमूर जो था वो किस कहाँ का राजा था ईरान इराक मॉडर्न डे टर्की यहाँ इन सब जगहों पे जो है किसका राज था तैमूर का था ठीक है तो मुगल्स जो थे अब जैसे मैंने आपको बताया कि मदर के साइड के मतलब कि चंगेज़ खान की आ, किसी भी समझ लो ले, ले लीजिए आपकी कोई भी एक बेटी रही होगी उनकी बहुत सारी जो शादियां की थी चंगेज़ खान ने तो कोई भी एक बेटी रही होगी या बेटी की बेटी रही होगी तो वो जो है वो आ, उनकी एक मदर की साइड की आती थी मुगल्स में ठीक है तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो डिसेंडेंट्स उनके टू थे एक मदर के साइड के जो थे वो चंगेज़ ख़ान की फैमिली से बिलोंग करती थी और फादर की साइड से जो थे वो तैमूर की साइड से बिलोंग करती थी ठीक है तो मुगल्स जो थे अब क्या था बात ये थी कि मुगल्स को ये पसंद नहीं था कि उनको कोई क्या बोले मुगल्स बोले या फिर मंगोल बोले ठीक है तो मुगल्स जो है ये कहाँ से निकला हुआ है मुग़ल जो है मंगोल से ही निकला हुआ वर्ड है मुगल्स ठीक है तो अब उनको ये पसंद नहीं था कि उनको कोई मंगोल या मुग़ल के नाम से जाने ठीक है वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई इस तरह से बुलाए कि कोई उनको बोले कि भाई तुम्हारे पूर्वज तो मुगल्स थे तुम्हारे पूर्वज तो मंगोल्स थे ठीक है तो उनको ये पसंद नहीं था क्यों पर ऐसा क्यों था कि उनको ये सब पसंद नहीं था कि उनको कोई ये बोले कि आप किसके सक्सेसर्स हो चंगेज खान की फैमिली से हो तो उनको ये पसंद नहीं था तो दिस वॉज बिकॉज चंगेज खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मेस्करे ऑफ इन्यूमरेबल पीपल अब देखो ये इसलिए क्या था कि चंगेज़ खान जो था वो एक वैरियर था तो वैरियर के साथ एक और मैं बताऊं आपको कि रुथलेस वैरियर था मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या था एक कठोर था ठीक है तो बहुत ज़्यादा जो है इसने बहुत ज़्यादा लोगों के कत्ल किए उनका नरसंहार किया मतलब उसकी मेमोरी जितनी भी उसको याद किया जाता है तो यही याद किया जाता है कि उसने बहुत सारे अनगिनत लोगों को लाखों लोगों को मार दिया ठीक है मस्करे मतलब कि नरसिंहार करना मतलब लोगों को बिना वजह मार देना मारते जाना मारते जाना तो बहुत सारे लोगों को उसने मार दिया ठीक है तो इसलिए अब अब मुगल्स जो थे ऑब्वियसली वो क्या करेंगे वो बेजती महसूस करेंगे अपने आप में कि अगर हम कहीं के रूलर बन रहे हैं ठीक है अभी रूल रूलर तो बने नहीं है बाबर से स्टार्ट होगा ठीक है तो वो ये सोचते हैं कि हम अगर हमें कोई ये बोलेगा कि तुम मंगोल की फैमिली से बिलोंग करते हो तो क्या होगा तो लोग जो हैं उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उनको खुद अच्छा नहीं लगता था कि कोई ऐसा बोले कि वो जो चंगेज़ खान की फ़ैमिली से तुम बिलोंग करते हो जो जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया ठीक है तो उसमें जो है एक इज्जत नहीं थी ठीक है तो इसलिए उनको ये पसंद नहीं था कि उनको कोई क्या बोले कि वो डिसेंडेंट हैं चंगेज़ ख़ान के ठीक है तो वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं था क्योंकि चंगेज़ खान की मेमरी जो थी वो बहुत सारे मस्कर से जो है हाँ जुड़ी हुई थी बहुत सारे लोगों को उसने मार दिया था बिना वजह ठीक है और बहुत ज़्यादा रूथलेस रूलर था वो ठीक है तो उसके बाद बात आती है कि इट ऑल्सो लिंक्ड विद द उबेक्स देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स ठीक है तो ये उस बेग्स के साथ भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं हम क्योंकि मंगोल्स के कॉम्पिटिटर थे उस बेग्स ठीक है लेकिन अब ऑन द अदर हैंड लीजिए आप मंगोल्स जो थे मतलब मुगल्स ठीक है तो मुगल्स जो थे उनको क्या आ, अच्छा लगता था कि उनको बहुत ज़्यादा प्राउड था कि वो टिमरेट डायनेस्टी के हैं एंसेस्ट्री के हैं ठीक है तो अब उनको ये अच्छा लगता था एक हाथ में मैंने आपको बताया कि ऑन द अदर हैंड आप उनको ये पसंद नहीं था कि वो मदर वाली साइड से जानने जाएं, मदर मदर या दादी परदादी के नाम से जानने जाएं कि चंगेज़ ख़ान के फैमिली से बिलोंग करते हैं मंगोल्स बोला जाए उनको ये पसंद नहीं था लेकिन दूसरे उनके दूसरे डिसेंडेंट्स भी थे कौन थे तिमर ठीक है तो उनको वो बहुत पसंद था कि उनको कोई तिमर डायनेस्टी से टिमर एंसेस्ट्री से बुलाए ठीक है तो ये उनको क्यों पसंद था आप देखो तिमर ने जो है बहुत बड़े काम भी किए थे इसलिए बहुत ही शान वाले काम थे बहुत ही प्राउड वाला काम था ठीक है तो उन्होंने वो किए हुए थे इसलिए मुगल्स को ये अच्छा लगता था कि उनको कोई तिमुर के आगे वंशज बोले ठीक है उनको ये कहे कि वो सक्सेसर्स कहाँ के हैं वो टीमो के सक्सेसर्स हैं तो उनको वो बहुत पसंद था ठीक है तो क्यों क्योंकि अन्सेस्टर्स जो थे ठीक है उनके अन्सेस्टर्स उन्होंने दिल्ली में कब्जा किया था 1398 में ठीक है एक टाइम पे 1398 पे दिल्ली में कब्जा करने वाले थे जो वो टीमो डायनेस्टी थी ठीक है जिन्होंने तुगलक्स को हराया था तुगलक पे क्या किया था हरा कर दिल्ली में कैप्चर किया था 1398 में तो उनको ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आता था बहुत अच्छा लगता था बहुत प्राउड फील करते थे कि हम किसकी इंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं तैमूर की ठीक है तो ऑन द होल दे सेलिब्रेट देर जीनोलॉजी पिक्टोरियली ठीक है तो अब वो अपनी जो है जीनोलॉजी मतलब अपनी पूरी जो है जितना भी उनका वंश था वो सारा जो है वो एक पिक्टोरियली जो है वो दर्शाते थे ठीक है कि जहाँ पे एक बड़ी सी जो है एक पिक्चर बनाने को बोल दिया किसी को उन दिनों तो ऐसा नहीं होता था कि फोटोग्राफ लिया खींचा और बस हो गया तो उन दिनों जो है हाँ पेंटिंग्स बना करती थी ठीक है तो उन्होंने पेंटिंग्स जो है बनवाई थी जहाँ पर उन्होंने सबको दर्शाया था कि बाबर है बाबर के बाद जो है हमायूँ हैं हमायूँ के बाद शाहजहाँ हैं ठीक है तो सॉरी अकबर के बाद शाहजहाँ हैं ठीक है तो ये जो हैं वो तैमूर थे क्योंकि अब वो चाहते यही थे कि वो तैमूर के नाम से जाने जाए तो इसी तरह से वो पिक्टोरियली अपने जीनोलॉजी को सेलिब्रेट करते थे ठीक है ये ग्रुप फोटोग्राफ आप बड़ा सा देखना चाहें आपकी बुक में भी है ठीक है तो आप वहाँ से देख सकते हैं सो so स्टूडेंट्स ये जो है इस टॉपिक में आपको ये बताया कि मुगल्स की रूट्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं मतलब कि उनके एंसेस्टर्स कौन थे आपको बताया गया कि उनके अन्सेस्टर जो थे वो दो थे ठीक है बहुत ही ज़्यादा लिनेज़स जो थी डिसेंडेंट्स थे उनके जो थे मदर वाली साइड से कौन थे मंगोल से जैसे कि चंगेज़ खान और दूसरी साइड फादर की साइड से बोला जाए तो कौन थे तैमूर थे ठीक है लेकिन उनको क्या पसंद आया कि वो तैमूर डायनेस्टी एंसेस्ट्री के, के कहलाए जाएं ना कि चंगेज़ खान से ठीक है तो ये जो थी ये आपको एक मैंने बताया कि मुगल्स का जो है रूट कहाँ से स्टार्ट हुआ ठीक है तो आगे आगे हम जो है मुगल्स के बारे में और पढ़ते जाएंगे ठीक है और पढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा क्योंकि अभी तो जो है स्टार्ट नहीं हुआ ठीक है ये मुगल पीरियड जो है स्टार्ट होता है बाबर से ठीक है जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बाबर ने जो है फिफ्टीन में जो है अपना एक साम्राज्य जो है हाँ स्थापित कर दिया था उसके बाद आगे आगे रूलर्स आते गए और मुगल डायनेस्टी बढ़ती गई ठीक है तो अब जो है हाँ हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हाँ डिस्कस करेंगे मुगल मिलिट्री कैंपेन्स तो मुगल की मिलिट्री कैंपेन्स कहाँ कहाँ से एसोसिएट हुई कैसे कैसे हुई ठीक है इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सो so स्टूडेंट्स This is all in this lecture. Thank you students.